अब जो डिश और जो रेसिपी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वो बड़ा ही उसका कोई जो नाम है शाहाने किस्म का है, जो इश्तियाक साहब आपको बताएंगे। क्या नाम है इसका? गोश्त कोरमा बनाने जा रहे हैं, यानी कि मटन कोरमा। अच्छा, मतलब इतना सिंपल सा था ये। तो मटन कोरमा इसे कहा जा सकता है। जी, मटन कोरमा। और शाहाना तो है, क्योंकि कोरमा बनाना आसान नहीं है जी, बशर्ते तैयारी अगर सब ठीक से करी है तो इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, मैं यहाँ देख रही हूँ, काफी सारी चीजें रखी हुई हैं जो इंतजाम किए हुए हैं जी। अभी आप पहले से अगर टाइम से कर लें तो उतना मुश्किल नहीं है। असली घी का इस्तेमाल करें? ये 3 चम्मच, क्योंकि जमा हुआ है, लेकिन 3 चम्मच है ये। 3 चम्मच अंदाज गल जाएगा। अब इसमें हम जो है कुछ खड़े मसाले डालेंगे, साबुत मसाले जी। एक 5 छोटी हरी इलायची, दो नंबर बड़ी इलायची, दो बड़ी इलायची, 5 नंबर लौंग, लौंग और तेज पत्ता। और जो चीजों का हमने इंतजाम किया है, प्याज को फ्राई कर लिया करके, पेस्ट भी करके रखा हुआ है जी, और फ्राई करके भी रखा हुआ है। ये है खोपरा, जो इस तरह से पहले रोस्ट किया, यानी कि थोड़ा सा कलर गुलाबी हल्का कलर आके फिर उसको पेस्ट किया हुआ, फिर उसको पेस्ट कर लिया। अच्छा, इसी तरह से काजू। अच्छा, ये जो खोपरा आप बता रहे हैं, सूखा खोपरा है? सूखा खोपरा जिसे है। आपने जैसे मैं भून लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट, डेसिकेटेड, और उसका ये पेस्ट है, पेस्ट किया हुआ है काजू। ये काजू है फ्राई करके फिर हमने इसको पेस्ट किया जी। चिरौंजी, हाँ हाँ, ये उसका पेस्ट है जी। और ये है खसखस, जिसको थोड़ा सा भून के जी फिर ये पेस्ट करके हमने रखा हुआ। चलिए, तो इसमें तो फिर कुछ बचा ही नहीं, अब तो सब कुछ आ गया है। सब कुछ आ गया, अब हमारा घी गरम हो गया, मसाले जी कड़क गए, और 1.5 चम्मच बड़े अदरक लहसुन का पेस्ट, एक आधा मिनट को हल्की आंच पे पका के, फिर इसके बाद हमारा गोश्त जो साफ किया हुआ धुला हुआ। अच्छा, इसमें जाफरान का भी इस्तेमाल होने वाला है, मैं देख रही हूँ। यहाँ रखी है पानी में डाल के रखी है। अच्छा, यहाँ गुलाब का अर्क भी रखा हुआ है, ये भी आखिर में पड़ेगा जी। नमक हम डाल के, अच्छा इसमें पहले आप नमक डाल के थोड़ा ढक्कन मार के, बोलते पसीजने देते, यानी कि इसका ये पानी है छोड़ेगा। ये तकरीबन 5 मिनट इसको धीरे आंच पे रख देंगे, फिर खोलेंगे जी, फिर उसमें अलग मसाले वगैरह इसको खोलते हैं हम। हो गया होगा अब तक? हाँ, और उसको तेज कर सकते हैं जी। पानी देखिए, पहले बिल्कुल पानी नहीं था, छोड़ने अब कितना पानी आ गया जी। ये अब जब ये भुन जाए जी, तो उसमें हम दही लेंगे। अच्छा, दही उड़ाइए, मैं देती हूँ आपको। कितना दही होगा? 1/2 किलो गोश्त है जी, करीब 150 ग्राम दही, 150 ग्राम, 150 ग्राम दही। अब इसके बाद क्या करना? इसके बाद जब ये थोड़ा सा घी छोड़ने लगे, सूखने लगे, तो हम डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर। ओके, ये हो गया आपका 3 छोटे चम्मच या 1.5 चम्मच बड़े धनिया पाउडर, और उसी के साथ साथ हम, अच्छा अब डालनी है मिर्च, लाल मिर्च का 1/6 चम्मच। ये तीखी नहीं है इसलिए अच्छा इसकी
मिर्च की तेजी कम है। तेजी कम है। फिर डाल देंगे। एक मिनट पकने देंगे ऐसे। ये देखिए। इतना कुछ सीखने मिल रहा है आपसे, हाँ फर्क पता चलता है। ओहो इसका तो कलर चेंज हो गया बिल्कुल। ये देखिए एकदम घी भी छोड़ दिया है। जी हाँ। Looks very appetizing. अब जो है हमारी चीजें जो है मैं आपको पास कर देती हूँ। हाँ। यानी कि नारियल जो हल्का सा रोस्ट करके पेस्ट किया हुआ है एक चम्मच। अब ये काजू, ये काजू दे दीजिए। एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच। ये है चिरौंजी। चिरौंजी और ये खशखश। ये है खशखश एक चम्मच। तो बहुत महंगी डिश भी हो गई एक तरह से। अब जो है प्याज का जो पेस्ट हो रहा है आप जी। अब ये लीजिए आपका जो भी खाली टाइम होता है आप छील छाल के अपनी सारी चीजें रख सकते हैं। दो चम्मच आपका प्याज हो। प्याज भूनते वक्त थोड़ा सा बचना पड़ता है जी हाँ, छलफान होती है इसमें। अब गोश्त को गलाने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर भून जाए, भूनने के बाद इसको हम कुकर में डाल के तीन चार सीटी लेके। अच्छा कुकर में डालेंगे तो जल्दी हो जाएगा बस। तो अब इसको हम कुकर में डालेंगे, आप कुकर का इंतजाम करिए। चौथी सीटी आ गई। इसको हम धीरे आंच कर देते हैं। मतलब ये कितनी सीटियां हो गई? चार सीटी हो गई। चार सीटी हो गई। और धीरे आंच के आप चूल्हा बंद ही कर देते हैं। बिल्कुल। और तकरीबन 10 मिनट तक इसे ठंडा होने देते हैं, फिर इसको खोलेंगे। तकरीबन सारी स्टीम निकल गई है, ये खोल गए। इसको हम ये देखिए आपका मटन का कोरमा तैयार। तैयार है। जो छोटा इलायची है जी कुटी हुई। हाँ हाँ थोड़ी सी। अच्छा इसे ऊपर से डालना है। ऊपर से डालना। हाँ चुटकी भर मतलब। ये है आपका गरम मसाला एक चम्मच। और जो आपका गुलाब का अर्क जी। और ये है केवड़ा। केवड़ा केवड़ा अत्तर मीठा दो बूंद। तो ये गुलाब रू। ये तो महकने लगा बिल्कुल, ऐसा लग रहा है किसी बाग में आ गए हम। तो गुलाबों के कोरमा तैयार। अब इसकी इसे इसको हम धनिया बस हल्का सा हरा धनिया जी और जाफरान देखिए। हाँ इसे तो हम भूल ही गए। तो ये आपका गोश्त का कोरमा तैयार।